गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू डे वन ऑफ हिंदी बैच एंड टुडेस टॉपिक इज माइंडसेट ऑफ कोच। ठीक है, सो आप सभी का मैं प्रमोद बड़ीगर इस सेशन में जहाँ पे आप आ चुके हो, आप लाइव हो, रिकॉर्डेड सुन रहे हो, मुझे नहीं पता आपके पास ये सेशन आप कौन से दिन देख रहे हो, बट आपका लिए अगर आप कोई भी टॉपिक कभी भी देख सकते हो 30 टॉपिक्स में से, बट ये जो टॉपिक आप देखने जा रहे हो इसको स्किप ना करें क्योंकि इट इज अ माइंडसेट टॉपिक। और जब तक माइंडसेट नहीं होगा ना, तब तक हम चीजों को सही से नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज हो लाइफ में, जो भी करना है, सबसे जरूरी चीज होती है सही माइंडसेट के साथ करना, सही इंटेंशन के साथ करना उस चीज को, तो वो चीज आपको वो परिणाम देगी जो आप चाहते हो उस हिसाब से। माइंडसेट क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीजें आती है माइंडसेट, मतलब और हर चीज में ये माइंडसेट मैटर करता है कुछ भी करना हो तो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक कोच का माइंडसेट कैसा हो, और जब आप जुड़े हो न्यूट्रिशन कोच कोर्स में और आप बनना चाहते हो वेलनेस कोच या हेल्थ कोच जो भी हम कहें, इसमें जितने लोग एडमिशंस लेते हैं मोस्टली 2-3 कैटेगरी के लोग आते हैं। मैं अगर उन्हें डिवाइड करूं तो 2 कैटेगरी रहती है मेरे हिसाब से। एक रहती है जो कुछ सीखना चाहती है और खुद के लिए सीखना चाहती है, मतलब उनका इंटेंशन रहता है कि मैं सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ मेरे फायदे के लिए। दूसरी कैटेगरी रहती है वो सीखना चाहती है अपने नॉलेज को थोड़ा बढ़ाने के लिए, बहुत कुछ आता है थोड़ा और सीख लेते हैं यहाँ से कुछ आएगा और तो वैल्यू ऐड हो जाएगी। तीसरी कैटेगरी रहती है जो वैल्यू ऐड तो करना चाहती है लेकिन उसमें से करियर भी करना चाहती है, शायद वो एक इनकम अपॉर्चुनिटी की तरह आई है। मेजोरिटी ये 3 कैटेगरी रहती है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि आप वो पहली कैटेगरी में ना रहे। वो पहली कैटेगरी कौन सी कि जिसमें मैं सीखना चाहता हूँ खुद के लिए। बिकॉज होता क्या है, जब हम खुद के लिए सीखना चाहते हैं ना, तो हम कैसे चीज सीखते हैं अपने हिसाब से आराम से, बस ठीक है थोड़ा सा नॉलेज मिल गया, खुद के ऊपर तो अप्लाई करना है। आप अभी ये टेबल पे मत सोचिए कि क्या आपसे कोचिंग होगा, विश्वास नहीं होता ना खुद को कि लोग आपको पैसा पे करेंगे, लोग आपको पे करके सुनेंगे। पीपल विल बाय योर कंसल्टिंग, पीपल विल बाय योर डिजिटल प्रोडक्ट्स, पीपल विल बाय योर इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। मे बी ऑन डे वन यू विल मस्ट नॉट हैविंग दैट मच ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ और दैट मच कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। इट इज ओके टू बी लाइक दैट ऑन अ डे वन, बट आई गारंटी यू ऑन डे 30 यू विल नॉट बी द सेम पर्सन। या लेकिन उसका ग्राउंड हमें आज सेट करना है कि आप किस माइंडसेट से सुन रहे हो। क्या अगर आपका माइंडसेट ये है कि ठीक है थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा लेंगे एटलीस्ट मेरे हेल्थ को फायदा होगा, तो ये माइंडसेट से तो नहीं चलेगा। क्योंकि हम अगर उस हिसाब से सीखेंगे तो हम हमारे मतलब इतना डेप्थ में नहीं सीखेंगे, और वो जो डेप्थ में चाहता हूं कि आप सब में आए वो तो आपको जो मैंने कहा ना सेकेंड या थर्ड कैटेगरी में आएगा, और सेकेंड कैटेगरी में से ज्यादा थर्ड कैटेगरी में आएगा कि भाई हमारे लिए एक इनकम का स्ट्रीम खुलने जा रहा है, हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। आप उससे सीख रहे हो जो ऑलरेडी से अप्लाई कर रहा है। आई एम अप्लाइंग दिस टेक्निक्स एंड आई एम हैविंग सो मच एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 12 इयर्स, 12 साल से मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने देखा है चीज़ों को बदलते हुए। और आज मैं जहाँ पे हूँ मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी और चीज़ें बहुत बेहतरीन होने वाली है आने वाले समय में। दिस कोचिंग इंडस्ट्री इज गेटिंग सो मच इवॉल्व एंड इट इज गेटिंग सो मच मैच्योर दैट दैट इज मतलब अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए स्पेस है अगर सही इंटेंट के साथ आते हो। अगर आप ये समझ के सीखते हो कि मुझे मेरे लिए यूज करना है तो आप भूल जाओगे चीजों को, लेकिन जब हमें इस इंटेंशन से सीखना है कि मुझे कल के जाके लोगों को ये बताना है, तब आप नोट्स निकालोगे, तब कोई बोलेगा नहीं आपको नोट्स निकालने के लिए, आप खुद से निकालोगे। जब हमारी वीकली एग्जाम रहेगी आपको कोई बोलेगा नहीं कि आपने आपका असेसमेंट कंप्लीट किया क्या, आप खुद से कंप्लीट करोगे। आपको कोई बोलेगा नहीं रिकॉर्डिंग वापस जाके सुनो, आप खुद से सुनोगे। आपको कोई बोलेगा नहीं कि इस टॉपिक के रिलेटेड आप और इन्फॉर्मेशन गैदर करो, आप खुद से करोगे क्योंकि आपका इंटेंशन चेंज हो चुका है। अभी आप ये खुद के लिए नहीं कर रहे हो, लोगों के लिए कर रहे हो, भले आप करियर के हिसाब से कर रहे हो बट थॉट तो चेंज हो गया ना कि मुझे ये सीख के लोगों को सिखाना है। तो मैं चाहता हूं
कि आप आपका माइंडसेट अभी से सेट करें कि इट इज नॉट फॉर योर सेल्फ, इतने स्वार्थी मत बनिए, है ना। थोड़ा लोगों के बारे में सोचते हैं, अगर आपको यहाँ पे चुना गया है, इट इज नॉट माई प्लान, इट इज गॉड प्लान, आप यहाँ पे आए हो तो ये मेरी मर्जी से नहीं आए, किसी ने तो आपको भेजा है यहाँ पे, लाइक मुझे भी भेजा गया था, लिटरली आई वॉज फोर्स्ड टू डू न्यूट्रिशन कोर्स, या हाँ मेरे लाइफ में कभी प्लान नहीं था कि आई विल बिकम एन न्यूट्रिशनिस्ट, बट इट वॉज एन फोर्सफुल डिसीजन फोर्स्ड ऑन मी, बट दैट डिसीजन चेंज माई लाइफ। इसलिए मैं इस कोर्स, मैं जब भी ये चीज करता हूँ ना, मैं भी बहुत फोर्स करता हूँ भाई ये कर लो करके। हाँ सो अगर मेरी लाइफ चेंज हो गई है, एंड तब से मैं मानता हूं कि आप लोग जो अगर इस इंटेंशन के साथ अगर यहाँ पे जुड़ोगे तो आपकी भी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। सो बढ़ते हैं आगे, अभी माइंडसेट ऑफ कोच को मैंने काट लगा ली। आप बोलेंगे अगर अभी तो बोल रहा था कोच का माइंडसेट, अभी ये क्या चालू किया, माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल कोच ये क्या रहता है, और सिर्फ कोच का माइंडसेट लेके जाने नहीं दूंगा यहाँ से। ये 50 लोग अभी जब मुझे यहाँ पे ऑनलाइन सुन रहे हैं, और जब ये रिकॉर्डिंग जब आपके पास पहुंचेगी, मुझे नहीं पता ये 500, 1000, 5000, 50,000, 5 लाख कितने लोग इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे भविष्य में, बट जब भी आप देखोगे तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पे काट मारो। सिर्फ अभी कोच का माइंडसेट नहीं चलेगा, हमें करना है सक्सेसफुल कोच का माइंडसेट क्रिएट। दोनों में फर्क है ना, कोच तो दोनों है बट लोग फॉलो किसे करेंगे अगर आप सक्सेसफुल हो तो। तो क्या होती है सक्सेसफुल कोच की डेफिनेशन, पूरा सब कुछ समझेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आई कैन बिकम कोच माइंडसेट पे आते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी कुछ गलतफहमी रहेंगी, आपके दिमाग में अभी भी कुछ इफ्स एंड बट्स रहेंगे, थोड़ा उनको हटा देते हैं, कुछ दिमाग में हर्डल्स हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। किसी का रहेगा एजुकेशन जो प्राइमरी रहता है कि भाई मैंने कभी वो साइंस बेस्ड तो हम कभी गए नहीं, हमें तो ये चीज बिल्कुल पता नहीं, हमसे हो पाएगा क्या, हमें ये आएगा क्या। तो सबसे पहली चीज आपको खुद को बतानी है कि कोई भी चीज हम जब पैदा होते हैं तो पैदा होने के साथ साथ तो हमारे बाद अंदर वो इनबिल्ट तो नहीं रहता है, यानी इंसान जो भी सीखता है वो यहाँ आने के बाद ही सीखता है, राइट। तो एजुकेशन तो मैटर करता ही नहीं, मैटर करता है इंटेंशन। अगर इंटेंशन है तो एजुकेशन को कोई लेना देना नहीं, मतलब इसका मतलब मैं एजुकेशन को अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि अगर आज नहीं है तो वो कल ले लेंगे हम। इम्पोर्टेंट है कि वो माइंडसेट होना जरूरी है कि आई कैन बिकम कोच, अगर नहीं एजुकेशन तो ले लेंगे। आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, आप सीखने के लिए रेडी हो, राइट, आप टाइम देने के लिए रेडी हो सीखने के लिए जो लगता है, तो एजुकेशन तो हम ये चैलेंज को तो ओवरकम कर पाएंगे। और मैं तो कहता हूँ हमेशा, जिसको एजुकेशन था उसने नहीं किया, लेकिन जिसको नहीं था, जिसका इंटेंशन था उसने बड़ा किया। लाइक ऑलवेज से पतंजलि के जो रामदेव बाबा जी है, मतलब मैं उनका एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ कि उनका तो योगा में इतना कोई खास एजुकेशन नहीं था ना, बट उनका इंटेंशन था कि योगा को एक बड़े लेवल पे लेके जाना। सो जिनका एजुकेशन था उनको तक उन्होंने पीछे छोड़ दिया बिकॉज ऑफ हिज इंटेंशन। लाइक हमारे अगर हम इस डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, वन गाइज दैट फिट ट्यूबर मिस्टर विवेक, ही वॉज नॉट हैविंग एजुकेशन रिलेटेड टू हेल्थ, बट आज उनका फिटनेस में काफी बड़ा चैनल है। आप में से कई लोग उनके सब्सक्राइबर हो गए, या हम में से कभी ना कभी एक ना वीडियो तो एक ना कोई तो वीडियो उनका देखा जाएगा, ये एज एन इंग्लिश चैनल, ये एज एन हिंदी चैनल, ही वॉज एन बी इलेक्ट्रिक ऐसा कुछ तो था उनका, आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट ही वॉज, बट ही वॉज नॉट हैविंग एन एनी हेल्थ बैकग्राउंड टिल ही क्रॉस 10 लैक्स प्लस सब्सक्राइबर। सो मैटर नहीं करता कि आपका एजुकेशन क्या है, मैटर करता है आपका इंटेंशन क्या है। अगर आपका इंटेंशन सही है तो एजुकेशन मैटर नहीं करेगा। फिर आप में से कुछ लोगों का सेल्फ इमेज डाउट रहेगा कि मैंने आज तक ये नहीं किया तो क्या मुझसे हो पाएगा, तो वो इमेज तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, इमेजेस तो चेंज करनी पड़ेगी, है ना। इमेज चेंज करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप थोड़ा आसपास देखोगे, ये इमेज जो है ना ये हमने क्रिएट किया, हमने हमारे माइंड को एक स्टोरी सुनाया कि मैं ऐसा हूं। लाइक आप में से कुछ लोग रहेंगे जो होम मेकर्स रहेंगे, आपने इमेज बना दिया मैं तो सिर्फ एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, स्टोरी कितने सुनाया आपने, किसको, खुद के माइंड को। तो आप नया स्किल अडॉप्ट कर सकते हो ना, इसके पहले कई सारे होम मेकर्स ने किया है तो आपको भी करना पड़ेगा। आई विल गिव एग्जाम्पल ऑफ माई वाइफ,
माई पर्सनल एग्जाम्पल, शी वॉज एन टोटली एंड होम मेकर, हाउस वाइफ। आप में से कई लोग उसे जानते भी। जब मैंने उसको फोर्सफुली, हाँ अगेन मुझे फोर्स किया गया, आई फोर्स्ड हर टू डू न्यूट्रिशन, बेसिक न्यूट्रिशन किया, एडवांस किया। आज जब ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, शी हैज ग्रोन लॉट एंड हर लॉट इन हर लाइफ, एंड नाउ शी इज पार्ट ऑफ हेल्दी फाई मी इंस्टीट्यूट ऑल्सो। शी इज हैविंग पर्सनल मेंटरशिप ऑफ फाउंडर ऑफ हेल्दी फाई। हेल्दी फाई इतना बड़ा एप्लीकेशन है, वो उनको मेंटरशिप देते हैं। सो एक मैंने देखा है एक होम मेकर को एक सक्सेसफुल कोच होते हुए, पर्सनल एग्जाम्पल फ्रॉम वेरी क्लोजली आई ऑब्जर्व इट। सो सेल्फ इमेज में से तो आपको बाहर निकालना पड़ेगा, वो आप उनके माइंड ने स्टोरी सुनाया, फिर बाकी कुछ भी रहेगा। आप सोचो, आप जो भी बैकग्राउंड से, वो इमेज एक आइडेंटिटी नहीं बन सकती है आपकी, वो आपकी क्वालिटी बन सकती है। जो भी आपकी इमेज है ना, डोंट मेक योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जैसे किसी को, अगर मैं हमेशा कहता हूँ माइंडसेट बहुत जरूरी है किसी को, अगर वो लाइक हम इस कोर्स में आगे बहुत सारे टॉपिक रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे टेक्नोलॉजी का कुछ आता नहीं है। भाई ये तो फिर आपने आइडेंटिटी बना दी ना, आप तो फिर मतलब आपको स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा, लाइक आई एम नॉट दैट मच टेक सेवी बट आई एम लर्निंग इट। अभी चेंज हो गया ना माइंड, भाई हम सीखने के लिए रेडी तो है ना, वाई आर यू मेकिंग दैट आइडेंटिटी। अगर आप आइडेंटिटी बनाओगे, अगर आपकी पहचान ही ये बना दोगे कि मैं ऐसा ही हूं, तो बदल तो कोई नहीं सकेगा। आज मेरे साथ ये हो रहा है बट मैं सीख रहा हूं, तो आप हमेशा ग्रो करोगे लाइफ में। तो एक स्किल आपके अंदर कूट कूट के भरना है आपको, दैट इज लर्निंग स्किल। और मैं मानता हूं अगर आप यहाँ पे पहुंचे हो तो वो स्किल तो आप में है, बट वो थोड़ा सा बार बार याद दिलाना तो पड़ेगा खुद को। बहुत से लोगों को ये दिक्कत रहती है कि लाइक बहुत सारे एडमिशन जब आते हैं तो बोलते हैं ये न्यूट्रिशन है तो सर ये इंग्लिश में रहेगा, हम कैसे बोल पाएंगे। सो मैं हमेशा पूछता हूँ, मैं आपको मराठी एग्जाम्पल ज्यादा दूंगा क्योंकि आई एम फैमिलियर मोर विद दैट वर्ड्स, मुझे एग्जैक्टली हिंदी ट्रांसलेशन उसका आता नहीं। मैं पूछता हूँ, अगर मैं आपको कोर्स सिखाने बैठू आपकी लैंग्वेज में, लाइक मराठी लैंग्वेज में, और मैं बोलूँ कि प्रोटीन की जगह प्रथीने बोलू, विच इज मराठी वर्ड फॉर प्रोटीन, तो आपको क्या आसानी से समझ में आएगा? सो दिस इज प्रोटीन। मैं पूछता हूँ अगर मैं लीवर की जगह यकृत बोलू तो क्या समझ में आएगा? लीवर। सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे अगर कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो संगणक बोलते हैं। तो मैं आपको बोलूँ बार बार आपका संगणक खोलिए, मोबाइल को मैं अगर बोलूँ आपका ध्वनि यंत्र कहाँ पे रखा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं अगर बोलूँ ये चीज टेबल पे रखने की जगह बोलूँ ये इसको मेज पे रखिए, हमारी जो इंग्लिश है ना, इट इज नाउ वो हमारा बन गया है, वो ट्रांजेक्शनल लैंग्वेज लैंग्वेज बन चुका है, हमारी वो बोली भाषा बन चुकी है इंग्लिश। हम हिंदी में बात करने की जगह इंग्लिश में बात करते हैं, और हम मराठी में बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश स्पीकिंग इज योर बैरियर, तो कम आउट ऑफ दैट, एंड इट इज वेरी सिंपल लैंग्वेज इफ यू ट्राई टू लर्न इट। अगर आप सीखना चाहते हो तो ये सबसे आसान है, सबसे आसान है, सबसे मुश्किल लैंग्वेजेस ऑलरेडी आप कर चुके हो। सवाल रहा माइंडसेट का, आप किसको इंग्लिश बोलनी है, आपका जो क्लाइंट है वो तो कंफर्टेबल आपके साथ मराठी और हिंदी बोलने में है ना, तो इंग्लिश आपको सिर्फ पढ़नी है, और उतनी तो इंग्लिश मैं मानता हूँ कि आपको आती है, और उतना तो मैंने क्राइटेरिया डाल के रखा है इस कोर्स में एडमिशन लेने से पहले कि आप इंग्लिश पढ़ना तो जानते हो ना, तो वो तो मैंने कोर्स में एडमिशन लेने से पहले ही पूछा रहता है। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में है कि नहीं मुझे कोच बनना है, तो सीखो ना, बेटर करो उस चीज को, बट उस एक चीज के लिए आप वो डिसीजन को रोको मत कि आई कैन बिकम कोच। इस माइंडसेट में आप खुद को रोको मत, ठीक है? पब्लिक स्पीकिंग का डर रहता है, भाई लोगों में बात कैसे करें, दूसरे व्यक्ति से बात कैसे करें, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डर है, ठीक है? अभी आप हमारे साथ जुड़े हो, हम जब आपको मौका देंगे, भले आपने रिकॉर्डिंग लिया है तो भी हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन आपके साथ रहेंगे, भले आप इसको लाइव सुन रहे हो, हम आपको बार बार पूछेंगे, लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, आपके साथ हमारे कम्युनिटी सेशंस लगातार होते रहेंगे। उन सेशंस में यू गेट चांस टू आस्क योर क्वेश्चंस। अभी सवाल पूछोगे तो उससे तो पब्लिक स्पीकिंग बढ़ेगा ना, और जहां जहां मौका मिले बात करो। हम जब बोलते सवाल पूछो तो कोई आगे नहीं आता है सवाल पूछने के लिए, तो कैसे बढ़ेगा ये स्किल? नहीं डर लगता है। देखो
मैंने एक बहुत अच्छे व्यक्ति से सुना था, एंड वो जो एड है ना उसी तरीके से उन्होंने बताया था। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। तो जी हाँ बिल्कुल, हमें भी डर लगता था। अगर हम आपको बताएं, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैं बात कर रहा था आगे जाके, मतलब मैं एक आयुर्वेदिक कंपनी में था जहाँ पे उनके आयुर्वेदा की मुझे ट्रेनिंग मिलती थी रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट्स, एंड वहाँ पे डॉक्टर्स आते थे, डॉक्टर से एक सेशन लेते थे और बोलते थे हम यहाँ पे एक टॉपिक सिखाएंगे और आपको यहाँ पे आके आगे थोड़ा बात करना है, उसके बारे में कुछ बोलना है या जो भी। तो वो हमारा पब्लिक स्पीकिंग टाइप का ही वो प्रैक्टिस करा रहे थे। जब हमारा सेशन हुआ एंड एक 8-10 दिन लगातार हुए, उसके बाद उन्होंने बोला आइए आगे बात कीजिए, तो हर एक का नंबर आ गया। मैं एकदम एक्साइटेड, प्लस अपने को जाके आगे बात करनी है, ये बोलना है वो बोलना है, क्योंकि वो अंदर से जोश तो था, वो फायर तो था, वो आग तो थी अपने में कि आगे जाके बात कर लेंगे। बट जब हम आगे गए और वहां पे देखा, मतलब ब्लैंक, कुछ याद नहीं आ रहा क्या बोलना था। हाँ फिर भी मैंने 5-6 सेंटेंसेस बोल दिए और मैं जाके जब बैठा, लिटरली मेरा जो पैर है ना ऐसा उछल रहा था, ऐसा मतलब मैं ऐसा वो पैर को दबा रहा हूँ, ये ऐसा क्या हो रहा है। दैट वॉज माई एक्सपीरियंस, इतना मेरे लिए भयानक था। बट वो दिन है और एक आज का दिन है। Now I can speak on thousand of people. मतलब मुझे 1-1 हजार, 2-2 हजार, 5-5 हजार लोगों में भी बोलने का मौका मिल चुका है, with God's grace, I did lots of work. And, अभी नहीं लगता है। तो वो डर है क्या, तो है, बट एक लाइन है ना, अगर आप नोट्स निकाल रहे हो तो लिख लो, एक्शन किल्स फियर। जिस जिस चीज का डर लग रहा है ना उसके मिनी स्टेप्स में एक्शन लेना चालू करो। लाइक पब्लिक स्पीकिंग का डर है, सामने वाले से बात करने का डर है, चलो फोन पे बात करना शुरू करो, अनजान लोगों से बात करना शुरू करो, जानबूझ के अनजान लोगों को जाके एड्रेस पूछना शुरू करो। कभी बस में ट्रेवल कर रहे तो पूछो आप कहाँ से, क्या करेगा, थोड़ा आपका ईगो हर्ट कर देगा, एक आधा बंदा बोल देगा क्या, मराठी में बोल देगा, तुमसे शिकायत देना। हाँ पुणे में बोल सकते हैं लोग तुम्हारा क्या करायचे, आम्ही कुठे कुठले आहोत, आप कहाँ से हो, हमें क्या करना, आप क्यों जानना चाहते हो। ये मेरा बहुत फेवरेट बुक है, ईगो इज एनिमी। इसमें आपके ईगो को किल करना पड़ेगा अगर आपको ग्रो करना है, क्योंकि ईगो इज योर बिगेस्ट एनिमी। हटा दो उस ईगो। पब्लिक स्पीकिंग अगर सीखनी है ना, ईगो मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी, ईगो मतलब ये कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कमजोर हूं, ये भी एक टाइप का ईगो है, और ये ईगो ही पब्लिक स्पीकिंग में आपको रोकेगा। और बी रेडी टू फेल ऑलवेज। हाँ वो आदमी जो बड़ा बना है ना उसने सबसे ज्यादा फेलियर झेला, वो बड़ा इसलिए बन पाया क्योंकि वो फेलियर में से उभर पाया। तो पब्लिक स्पीकिंग ये आपको हटाना पड़ेगा और ये आपको मिनी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वन टू वन करो, फिर वन टू मैनी करो, ग्रुप्स बढ़ाओ, नंबर्स बढ़ाओ। अभी तो बहुत अच्छा मौका है, मतलब आपको यहाँ पे जब आके बात करना है, आपका भी शायद मेरे जैसा हाल हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकता है, पैर ऐसा मेरा, तो मैं आपको रियल बता रहा, ऐसे ऐसे ऐसा उड़ रहा, आपका भी उड़ सकता है, लेकिन हमको थोड़ी दिखेगा, हमको तो इतना ही दिखेगा ना। सो डोंट वरी फॉर दैट थिंग। पब्लिक स्पीकिंग का डर है, इट इज गुड, डर अच्छी बात है, डर गलत नहीं है, हम डर को गलत तरीके से लेते हैं। देखो किसी किसी को ऊंचाई का डर है, अच्छी बात है कि गलत बात है, अच्छी बात है ना, अगर ऊंचाई से डर रहा है तो वो केयर करेगा ना जब वो ऊंचाई पे जाएगा, नहीं तो फिसल जाएगा वो। किसी को स्पीड का डर है, अच्छी बात है, तो गाड़ी आराम से चलाएगा, अगर उसको स्पीड का डर नहीं है तो वो गलत करेगा। किसी को आग का डर है, अच्छी बात है, अगर उसको आग का डर है तो वो आग से खेलेगा नहीं, आग से मस्ती नहीं करेगा। किसी को बीवी का डर है, अच्छी बात है। हाँ आगे का सब समझ गए जो शादीशुदा है। ठीक है, सो पब्लिक स्पीकिंग का डर अच्छी बात, कोई बात नहीं, बट प्रैक्टिस से वो चला जाएगा। बट ये डर आप पैदा होने के बाद आपके साथ है, मरते समय आपके साथ ये नहीं रहना चाहिए। लिख लो इस लाइन को, पैदा होते हुए पब्लिक स्पीकिंग का डर सबके साथ रहता है, बट क्योंकि ये दुनिया में रिसर्च हुआ गया
कि सबसे ज्यादा डर किसका लगता है? किसी ने कहा आग का लगता है, किसी ने कहा जैसे मुझे वो टीवी में भी अगर सांप दिख जाए तो मुझे डर लगता है। हाँ, किसी को बीवी का डर लगता है, किसी को अपने टीचर से डर लगता है, किसी को कोच से डर लगता है, किसी को मतलब वो सुई जो रहता है इंजेक्शन का उससे डर लगता है, किसी को राइड्स रहते हैं ना थीम पार्क में उसका डर लगता है। डर अपना अलग अलग है, लेकिन सबसे बड़ा डर जो है वो पब्लिक स्पीकिंग का रहता है। तो अगर आप में ये है तो कोई गलत बात नहीं है, बट इसी डर के साथ पैदा हुए और इसी डर के साथ मर गए तो गलत बात है। ठीक है, तो ये डर तो हमें निकालना है। टेक के नॉलेज का डर है भाई, टेक में तो कितना है ना, इजी है, मैं तो बोलूंगा इजी है। हाँ, बहुत इजी। क्यों इजी है? क्योंकि यहाँ पे गलती होके क्या होगा, बट आप ट्राई नहीं करोगे तो बहुत हार्ड। मेनी टाइम्स यू मेक दैट फियर मोर ओवर इन योर माइंड। जैसे कोविड में हमने देखा लोगों को दिमाग में उन्होंने डर को क्रिएट किया था। रियल में वो प्रॉब्लम था क्या बड़ा? हाँ था, बट ज्यादा इंपैक्ट आया वो मुझे क्या होगा, मुझे ऐसा होगा, तो माइंड में हम बड़ा करते हैं। वही हुआ है टेक के साथ। और इसमें दो कैटेगरी है, 80 के पहले जिनका जो भी बिफोर 80s जिनका भी बर्थ डेट है, आप में से जितने इस सेशन में आए हैं यू विल गेट एग्री विथ मी, अगर आप 80 के पहले के हो तो आप एग्री करोगे कि हाँ हमें जरा ज्यादा डर लगता है। 80 के 90 के बीच में हो आप सीखने के लिए रेडी हो, 90 के बाद को डर ही नहीं लगता, 2000 के बाद तो वो तो मतलब ऐसा लगता है भाई ये माँ के पेट से ही सीख के आया है ना। यस, सो टेक नॉलेज का डर है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, हम सिखाएंगे। इसके हर एक सेशन जो आफ्टर 22 हर एक सेशन है ना, मैं यहाँ पे लाइव करके दिखाऊंगा आपको, बहुत सारी चीजें करके दिखाऊंगा। एंड प्रैक्टिस अगर आप करोगे एवरीथिंग इज वेरी इजी। अच्छा, गलती हो गई तो क्या हो गया वो भी मैं वहां पे आपको बताऊंगा आफ्टर सेशन 23। ठीक है, सेलिंग स्किल्स तो बहुत से बाबा, सब कुछ कर लिया, सब कुछ सीख लिया, बेचना नहीं आता तो कोई फायदा नहीं। यू शुड रेडी टू सेल, लाइक आई सोल्ड दिस टू यू ना। आप मुझे लाइव सुन रहे हो, आप मुझे रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, आई सोल्ड दिस कोर्स टू यू, आई हैव सोल्ड दिस टू यू, बिकॉज ऑफ माई सेलिंग स्किल इट वॉज एबल। तो आपको भी सीखना पड़ेगा, हम सिखाएंगे सेल्स के लिए। मेरे अलग कोर्सेस है ऑलरेडी डिटेल में, बट कुछ चीजें जो आपको ऐसे सिखाएंगे कि आपको सेलिंग की नौबत ही नहीं आएगी, आपका इस तरीके से पूरा सेटअप लगा देंगे कि सेल्स विल बी वेरी इजी थिंग फॉर, बट हर सेशन अटेंड करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो ये सारे हर्डल्स स्टेप बाय स्टेप हम ओवरकम करेंगे, एंड आप जैसे जैसे एक एक हर्डल निकल जाएगा यू विल फाइंड योर सेल्फ ऑन सक्सेसफुल कोर्स ट्रैक। क्योंकि हमें क्या बनना है, हमारा माइंडसेट क्या चाहिए, आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल कोच। आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो इस कोर्स को लेने के बाद, आपको वहां पे टाइप करना आई एम रेडी टू बिकम सक्सेसफुल कोच। टाइप करने से पहले सुनिए सक्सेसफुल कोच की मेरी डेफिनेशन क्या है। सक्सेसफुल कोच वो है जो लोगों को अच्छे रिजल्ट देता है और खुद अच्छा प्रॉफिट बनाता है। मुझे यहाँ पे आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ सोशल वर्क, राइट? मेरा सीधा कहना है सोशल वर्क ये डिफॉल्ट होना चाहिए। हाँ, डिफॉल्ट। आप लोगों की हेल्थ अच्छी कर रहे हो तो इनडायरेक्टली सोशल वर्क कर ही रहे ना, तो फ्री में मत करो। आप फ्री करोगे या कम प्राइस पे करोगे तो लोग सीरियसली ले ही लेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट हमारा जो डाइट इंडस्ट्री है, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री है, यहाँ पे बोला जाता है जिसकी जितनी कंसल्टेशन फीस ज्यादा उसके उतने रिजल्ट ज्यादा। क्योंकि जब सामने वाला बंदा कंसल्टेशन फीस ज्यादा पे करता है वो ज्यादा सीरियसली करता है, वो ज्यादा सीरियसली करता है इसलिए उसको ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। सो अभी आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है ओपन कीजिए और वहां पे टाइप कीजिए आई एम रेडी टू बिकम सक्सेसफुल कोच, आई एम रेडी टू बिकम सक्सेसफुल कोच। ये आपको टाइप करना है सबको, जिस भी ग्रुप में हो आप, लाइव हो, रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, टाइप कीजिए आई एम रेडी टू बिकम सक्सेसफुल कोच। क्योंकि मुझे सिर्फ कोच नहीं चाहिए, सक्सेसफुल रहोगे ना तो कोई इंस्पायर होगा ना भाई, नहीं तो वो ये हाँ करता क्या करता है, कोचिंग करता है, हेल्थ कोचिंग करता है। ओके,
पैसा नहीं कमाता, तो कोई बनेगा क्या हेल्थ कोच? नहीं बनेगी हेल्थ कोच। फिर अगर कोई हेल्थ कोच नहीं बनेगा तो लोगों की हेल्थ कैसे अच्छी होगी? तो दोनों चीजें होनी चाहिए। और जैसे कि हमने मैंने कहा कि इस इंडस्ट्री में जब तक आपका अमाउंट मैटर करता है तभी लोग सीरियस ले लेते हैं। यस, यहाँ पे जूम पे नहीं कमेंट करना है ना, आप अगर इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हो हमारी साइट पे कमेंट करना है। यू हैव टू कमेंट दिस इन योर रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आपने एनरोलमेंट के बाद कदम रखा है। सो यस, आई एम रेडी टू बिकम सक्सेसफुल कोच। यस, वेलनेस कोच लिखिए, हेल्थ कोच लिखिए, बट आई एम रेडी टू बिकम सक्सेसफुल कोच। फैंटेस्टिक, आगे बढ़ते हैं। अभी माइंडसेट में क्या चाहिए? सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए दैट इज लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट माइंडसेट होना चाहिए। आप आए हो हेल्थ की फील्ड में जहां पे बहुत सारी चीजें इवॉल्व होती रहती है, नई नई चीजें आती रहती है, नई नई सॉल्यूशंस आते रहती है, और आपको एक माइंडसेट आपके साथ लेके चलना पड़ेगा दैट यू आर स्टूडेंट फॉर अ लाइफ लॉन्ग पीरियड। मतलब एज अ स्टूडेंट, आई एम टूडे ऑल्सो स्टूडेंट। आज की डेट में जब ये कोर्स रिकॉर्ड हो रहा है, आई एम हैविंग फोर टाइप ऑफ मेंटर्स इन माई लाइफ। वन इज टीचिंग में एंटरप्रेन्योरशिप, सेकेंड इज टीचिंग मी अबाउट माइंड सेट रिलेटेड टू मनी, हाउ टू प्लान गोल्स, हाउ टू डू फाइनेंस। तो फाइनेंस के लिए एक अलग बंदा है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलग बंदा है, हेल्थ का मेरा गोल्स कैसे होना चाहिए वो सिखाने के लिए मुझे एक अलग कोच है, डिजिटल स्पेस के लिए मुझे सिखाने के लिए अलग कोच है। सो आई एम हैविंग सो मेनी कोचेस फॉर माई पर्सनल फिटनेस। आई एम टेकिंग कंसल्टेशन ऑफ समबडी अदर बिकॉज ही कैन वॉच मी मोर क्लियरली देन हाउ कैन। हमें आईना लगता है, उस तरीके से कोच चाहिए। सो हमें स्टूडेंट बनना तो पड़ेगा। सो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट का माइंडसेट रखिए। ओके, ये माइंडसेट बहुत हेल्प करता है। दिस माइंडसेट चेंज एवरीथिंग फॉर। हमेशा आपको विद्यार्थी की भूमिका में रहना जरूरी है। मैं जब यहां सिखाने आता हूं ना तभी मैं कोच बनता हूं। वेस्ट ऑल द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मेरा सेशन डिलीवर होगा आई विल बी ऑल्सो स्टूडेंट। आई विल लर्न फ्रॉम योर कमेंट्स, आई विल लर्न फ्रॉम योर क्वेश्चंस, आई विल लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बिकम अ स्टूडेंट। इट इज अ ग्रेट थिंग यू कैन हैव, यू कैन डू विथ योर सेल्फ, वन ऑफ द ग्रेट थिंग यू कैन डू। ओके, डोंट कमेंट हियर इन जूम कमेंट, कमेंट इन योर व्हाट्सएप। सो सबसे पहली चीज हमें जो करनी है, क्यूरियोसिटी हमारे अंदर की कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर हर चीज को जानने का एक ये जो उत्सुकता है, जिन्होंने कुछ पढ़ा किया लाइफ में उनके अंदर ये उत्सुकता थी। जो क्यूरियोसिटी होती है ना वो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बना के रखने में हेल्प होती है। जिसे लगता है ना मुझे सब कुछ आ गया, इसका मतलब उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई बॉस, उसको जानना ही नहीं और कुछ है इस दुनिया में। उसने एक माइंडसेट बना दिया ये चीजें ऐसी होती। क्यों? क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। जब वो क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा तो अलग अलग एंगल से दुनिया को देखेगा, उसके अंदर नए आइडियाज आएंगे, नई तरीके से वो सोचेगा, चीजों को अलग तरीके से देखेगा। सो ये माइंडसेट आपको बहुत हेल्प करता है। यू शुड बी क्यूरियस। उसके बाद ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट होता है। जब आप लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनते हो ना तो आप रुकते नहीं हो ना, भाई मेरे को इतना आता है तो मैं आगे ग्रो करना चाहता हूँ, लाइक मुझे ये आता है तो मैं ये चीजें सीखना चाहता हूँ। तो इससे ग्रोथ आती है क्योंकि आप अपने अंदर उस स्किल को ऐड करते हो और उससे आपको ग्रोथ मिलती है। तो इसलिए आप गलतियां भी करते हो क्या? हाँ गलतियां करते हो, मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, रेडी टू फेल। यस, यू शुड रेडी टू फेल। हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें बहुत बार सिखाती है चूक की बरोबर, ऐसा कुछ नहीं रहता है। देयर इज नो रॉन्ग आंसर। सही कुछ कम सही रहता है, कुछ ज्यादा सही रहता है, बाकी हर चीज सही रहती है। तो इसमें कुछ गलतियां होगी, शायद वो समय के लिए गलती हो सकती है, लेकिन आज की गलती कल शायद सही हो सकती है, या कल की गलती आज सही हो सकती है। हाँ अभी ये थोड़ा डेप्थ में बोल गया, जिसकी डेप्थ अच्छी है वो ये स्टेटमेंट को समझ पाएगा, अदरवाइज ये बाउंसर चला गया। बट ग्रोथ बहुत जरूरी है, और वो ग्रोथ ओरिएंटेड आपका माइंडसेट तब बनेगा जब आप लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनना पसंद करोगे, सेल्फ डायरेक्टेड हो। मतलब ये जो लर्निंग है ना, इसमें खुद का डायरेक्शन पकड़ के, जो भी आपने एक आपका पर्पस डिसाइड किया है, आपकी लाइफ का गोल डिसाइड किया है, उसको पकड़ के उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहो। और ये लर्निंग है ना, मतलब खुद की जिम्मेदारी, कोई आके जबरदस्ती नहीं करना चाहिए सीखना बाबा सीखना बाबा। जैसे हमें माँ बाप ने प्रेशर किया जो भी बनना था उसके लिए, लाइक आई वॉज फोर्स टू दिस डू दिस न्यूट्रिशन, बट लेटर ऑन एवरीथिंग चेंज फॉर मी। सेल्फ डायरेक्टेड वर्ल्ड, मतलब इसकी जिम्मेदारी खुद लो सीखने की। ये जो आपने शुरू किया है आज आपका डे वन,
आपको लगता है हर बार आपको मैसेज डालना जरूरी है, इस समय जुड़ो, अगर आप इसका रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो एक टाइम फिक्स करो ना कि मैं इस रिकॉर्डिंग को इतने बजे रोज सुनूंगा। फिर वो अलार्म लगा कि आपको खुद को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, कोई आके आपको फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी और आपकी ग्रोथ में अगर कोई रुका है तो वो आप खुद हो, कोई और नहीं, तो आपको ही हटाना पड़ेगा। उसके बाद ये लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहते हैं ना, उसके अंदर ह्यूमिलिटी रहता है। अगर उसको कोई बोलता है कि ये आप में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो वो ईगो पे नहीं लेता, वो सोचता है कि मेरी ये फीडबैक है, ही टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। वो अपनी गलतियों को एडमिट करते हैं और दूसरों से सीखने के लिए हमेशा ईगर रहते हैं। लाइक मैं जब दूसरों के सामने जाता हूँ तो मैं कितना होशियार हूँ ये नहीं बताता, क्योंकि वो करके कोई फायदा नहीं। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि हमें छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारनी है लेकिन बड़े युद्ध को जीतना है, और अगर आपको छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारनी सीखनी है तो अपने ईगो को रोज छोटा छोटा लड़ाई में हारना सिखाओ, लेकिन जब युद्ध रहेगा ना तो आप ही जीतोगे। तो वो ह्यूमिलिटी का एक साइन रहता है कि यू हैव टू, मतलब वो इतना हम्बल बन के रहो ना, तब आप सीख पाओ। जैसे आप यहाँ पे आए हो तो मैंने बोला था ना, तीन कैटेगरी है, पहला बस खुद के लिए सीखेगा, दूसरा मुझे बहुत कुछ आता है थोड़ा और चीजें ऐड हो जाएगी, तीसरा चलो यार कुछ अच्छे से सीख लेते हैं, दिमाग को खाली करते हैं, सही से सीख लेते हैं। जब मैं सीखने बैठता हूँ तो मैं जब बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्सेस लेता हूँ या मैं जो भी चीजें करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो आता है वो समझ ही लेता हूँ, लेकिन मैं वो सामने वाला क्या सिखा रहा है उन चीजों को नोट डाउन करता हूँ। लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो मैंने जो सीखा है वो, और ये मैं हमेशा कहता हूँ, इतना भी मत किसी को फॉलो करो कि कुछ ना हो। सो लिसन एवरीवन बट फॉलो नो वन, ये मेरा सिंपल प्रिंसिपल है, मतलब सुनो सबकी बट करो दिल की, लेकिन हम्बल रहो। जब सुनने के लिए जा रहे हो ना तो स्टे हम्बल, शायद आप हम्बल रहोगे तो शायद आपको आपकी कोई गलती पता चल जाए, या शायद आपको कोई नई चीज सीखने को मिल जाए जो शायद आपको शायद पहले से पता थी बट आप शायद इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो ना, ऐसा होगा। अभी इस कोर्स में भी ऐसा बहुत सारी चीजें होगी जो शायद आपको पहले से पता है बट मे बी यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट थिंग्स, सो ये फायदा हो जाएगा बिकॉज यू आर इन अ स्टूडेंट स्टेट। तो ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, परसिस्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि तो चैलेंजेस आएंगे, सेटबैक्स बैठेंगे, आपका ऊपर अप्स एंड डाउन आएगा, कोई भी करियर स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है, उसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, एंड एवरी डाउन इज टू गिव यू बिगर अप। जैसे स्टॉक मार्केट में रहते ना, हायर बॉटम फिर लोअर बॉटम, फिर उसके बाद वो हायर बॉटम ब्रेक होता है, फिर उसके बाद नया टॉप क्रिएट होता है, फिर नया बॉटम क्रिएट होता है। जिसको स्टॉक मार्केट समझ में आता है उसको ये हायर टॉप हायर बॉटम थ्योरी समझ में आएगा, और ये हायर टॉप हायर बॉटम थ्योरी हर फील्ड में लागू होता है, लेकिन वो उसको ही अगला टॉप हायर मिलता है जिसकी परसिस्टेंस की हैबिट है, अदरवाइज क्या है वो चला जाता है बॉटम में, क्योंकि फिर वो नया टॉप नहीं खोज पाता है। तो सीखने में ये परसिस्टेंस रखो, अडेप्ट करो चीजों को, बी फ्लेक्सिबल, कुछ नया आया है अडेप्टेड। लाइक अभी ये कोर्स के पहले जो हमारा पिछला कोर्स रिकॉर्ड हुआ मराठी लैंग्वेज में, उससे ये कई ज्यादा हमने इसको अडॉप्ट किया, क्यों, क्योंकि हमने बीच में बहुत सारी नई चीजें सीखी, हमने उनको अडॉप्ट किया, उनको इसमें डाल दिया। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर चेंज एंड यू ऑल्सो शुड बी, बिकॉज इफ यू आर इन स्टूडेंट माइंड सेट यू शुड रेडी फॉर चेंज, बिकॉज द चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग विच वी कांट चेंज, है ना। सो आपको चेंज के लिए रेडी होना पड़ेगा, एंड फॉर दैट चेंज यू शुड बी फ्लेक्सिबल, यू शुड बी अडॉप्टेबल। बहुत बार हम हमारी ही कही हुई बातों में अटक जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी फॉर्म स्टेटमेंट मत कीजिए कि लाइफ में मतलब ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, ये ऐसा ही है, इसके बाद मैं ये नहीं करूंगा, फॉर्म में मत जाइए, फॉर्म करोगे गड़बड़ हो जाए। जैसे अभी मैंने कहा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे अगला बैच कब होगा, तो मैंने कहा इसका अगला बैच नहीं होगा, अभी ये फॉर्म स्टेटमेंट था क्या, हाँ था। अभी लोग बोले अगर मैं अगला बैच अनाउंस करता हूँ तो लोग बोलेंगे अरे आपने तो कहा था नहीं था, हाँ तो मैंने कहा था कि मेरा अगला बैच नहीं होगा, मैं खुद नहीं लूंगा और मैंने ये भी कहा मैं खुद तो नहीं लूंगा, मतलब क्या करूंगा, मैं अलग अलग कोचेस क्रिएट करूंगा, अलग अलग स्पीकर्स क्रिएट करूंगा, उनके थ्रू करूंगा, बट हाँ ये बात भी उतनी सही है कि अगले 6 मंथ तक कोई भी लाइव बैच नहीं होने वाला है। तो मैंने क्या कहा, अगले 6 मंथ तक तो कोई लाइव बैच नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम हिंदी में तो रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि तो मेरा इंटेंशन कुछ अलग है। तो समझ लो इन चीजों को, अब मैं फॉर्म डिसीजन या फॉर्म स्टेटमेंट देने में बहुत अवॉइड करता हूँ, कभी कभी हो जाता है, इट्स एन हम भी इंसान है गलती कर देते हैं, बट ट्राई दैट यू नेवर मेक एन फॉर्म स्टेटमेंट, बी ऑलवेज फ्लेक्सिबल बिफोर मेकिंग एन फॉर्म स्टेटमेंट। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट का माइंडसेट जो है ना इन्वॉल्व द कमिटमेंट टू कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ, मतलब आपको एक कमिटमेंट देना है कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ के लिए, एंड अ विलिंगनेस टू एम्ब्रेस न्यू एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस।
नया, अगर कुछ सीखोगे तो नया चैलेंज आएगा बॉस। जब मैं चैट जीपीटी सीख रहा था नए चैलेंज आ गए, मैं पिक्टोरियल ऐप सीख रहा था नए चैलेंज आ गए, अभी मैं क्रोम ऐप पे सीख रहा हूँ तो नया नए चैलेंजेस आ रहे हैं। दिस ऑल आर एआई टूल्स, या इट कैन लीड टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड रेजिलेंस, रेजिलेंस एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ एंड वर्ल्ड अराउंड अस। सो इसी से आपका जो एक भावनिक लचीलापन जो है ना वो बहुत बढ़ेगा, जो बहुत बढ़ाना जरूरी है। उसके बाद हमारा माइंडसेट होना चाहिए एग्जीक्यूशन ओवर लर्निंग माइंडसेट। अभी एक जगह मैंने कहा आप सीखते रहे, मैंने दूसरी स्लाइड में ये क्यों डाला है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग फिर वो वन साइड एंगल में घुस जाते हैं। भाई फिर अभी सर ने सी बोला है सीखते हो, तो सर अगली स्लाइड पे ये भी कह रहे हैं एग्जीक्यूट करो। सीखना जरूरी है, लेकिन सीखने से भी ज्यादा जरूरी है एग्जीक्यूट कितना किया। बिकॉज नॉलेज नॉट यूज इज अ गार्बेज। मतलब मेरे एक बहुत अच्छे लाइफ कोच हैं और जिनसे मैंने लाइफ कोच के रिलेटेड बहुत अच्छे सेशंस सुने हैं, एंड वो हमेशा एक बात कहते हैं दैट नॉलेज नॉट यूज इज अ गार्बेज। अगर आपने उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया है तो वो अज्ञानता में और ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। दैट इज ओनली एन इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर मेमोरी, नथिंग अदर देन दैट। तो गूगल को तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, देखो फिर वो लाइब्रेरी में जो बैठता है तो इतने सारे पास तो इतनी सारी किताबें हैं ना, वो तो पढ़ के कुछ भी कर सकता है, बट वो सिर्फ उसके उसकी लाइब्रेरी में की इंफॉर्मेशन है। तो आप वो लाइब्रेरियन की तरह इंफॉर्मेशन मत गैदर करते हो, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को एडिक्शन रहता है सीखने का, मुझे भी है, बट मोर ओवर आई एम एन वेरी एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। मैं ज्यादा एग्जीक्यूट करने में बिलीव करता हूँ। क्या आप मानोगे जब मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन शुरू किया था एंड इट वॉज एन 6 month क्रैश कोर्स, एंड ऑन दैट पीरियड आफ्टर एंड 3 months आई स्टार्टेड टेकिंग सेशंस। हाँ मतलब 3 महीने के बाद मैं लोगों के घर जा रहा था एंड आई वॉज टेकिंग सेशन। आई डिजाइन द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ माई नाइन माई लाइफ, नेम वॉज आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। मैंने पहला प्रोग्राम अपने जीवन का बनाया जिसका नाम था आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन, और मैं घर घर जाता था। और तभी मेरे पास वो मारुति वैन थी, एक ऐसा बहुत बहुत ही ऐसा लंबा बोर्ड था, और मेरे को कुछ भी चीज लेनी है तो मुझे जरा बड़ा बड़ा मतलब वो बड़ी चीजें लेना पसंद है, फिर बाद में पता चला कुछ बार छोटी भी लेनी पड़ती है तो दिक्कत हो जाती है। तो इतना बड़ा बोर्ड था, वो वैन थी, तो मैंने बोला अपने पास तो वैन है। बाद में पता चला जब मैंने सेलर लिया तो वो बोर्ड उसमें एडजस्ट नहीं हो रहा था। सो बड़ा बोर्ड था, उसका बड़ा स्टैंड था, और मैं उसको डालता था और मैं लोगों के घर घर जाता था और वहां पे मैं प्रोग्राम लेता था। फिर वहां पे 5 लोग जमा हो, 10 लोग जमा हो, उसका नाम लिखता था आइडियल बॉडी कंपोजिशन। उसके मैंने 10 सवाल बनाए थे, ये 10 सवाल है आपके लाइफ में जिसके जवाब वहां पे मिलेंगे। मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं आया था बॉस, 3 मंथ्स था, कोई नहीं, किसी ने नहीं पूछा, और मैं कंसल्टिंग कमा रहा था, लोग मुझे पैसे पे कर रहे थे। मैं आपको चीटिंग करना नहीं सिखा रहा, मुझे जितना पता है उसको मैंने एग्जीक्यूट किया, क्या दिक्कत है इसमें। पीपल वर गेटिंग रिजल्ट्स ना, सो दे वर पेइंग मी, उनको रिजल्ट आ रहे थे मेरी बातों से, उनको रिजल्ट आ रहे थे मेरे सजेशन से। एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बहुत बार ना, नहीं मुझे अभी तक वो फीलिंग नहीं आ रहा है, मुझे अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे अभी तक ऐसा कंप्लीट नहीं लग रहा है। अरे कब लगेगा, कभी नहीं लगेगा। जितना आया सीखा है ना, इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट करो। आपके पास अभी भी बहुत कुछ है, पर शायद आप वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, बिकॉज वी आर इन द इंफॉर्मेशन एरा। इंफॉर्मेशन एरा है हमारा, ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें पता नहीं। हम इस एरा में है जहां पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड मिलती है, तो हमें एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। जितना एग्जीक्यूट करोगे उतने रिजल्ट्स आप ज्यादा ले पाओगे, ठीक है। बेस्ट परफेक्ट के लिए मत रुको, आगे हम वो चीजों को सीखने वाले। बहुत सारे लोग बायस रहते हैं एक्शंस के लिए। इंडिविजुअल्स विद एन एग्जीक्यूशन ओवर लर्निंग माइंडसेट प्रायोरिटाइज टेकिंग एक्शन एंड गेटिंग थिंग्स डन ओवर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन लर्निंग एंड प्लानिंग। सीखते हैं प्लान करते हैं, सीखते हैं प्लानिंग भी करते हैं। दे बिलीव दैट टेकिंग एक्शन इज द की टू सक्सेस एंड आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क। रिस्क लिया ना मैंने, अगर किसी ने पूछा रहता तो, अच्छा तू ये बता तो रहा है तेरे पास सर्टिफिकेट कौन सा है बाबू, मैं बात कर रहा हूँ 2011 की, अगर पूछा रहता किसी ने तो। देखो अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना, मैं इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा, खुद पे अच्छा कॉन्फिडेंस होना तो कोई नहीं पूछता, क्योंकि तो मेरा इंटेंशन सही। देखो इंटेंशन बहुत जरूरी, अगर आपका इंटेंशन सही है, मतलब उस बैच में जब वो वाइवा रहता है ना, वाइवा रिटर्न तो हमने दे दिया था कॉमन, बट वाइवा रहता है, वाइवा अपॉइंटमेंट से देना पड़ता है। मतलब वो तो मुझे उन्होंने पूछा, मतलब सबको पूछा हु इज रेडी फॉर वाइवा, मैंने बोला मैं,
और मेरी मैम क्या बोल रही है, मेरी टीचर बोल रही है, आई वाज नोइंग दैट यू विल बी द फर्स्ट पर्सन इन द क्लास हु विल रेज हिज हैंड। एंड फ्रॉम दैट बैच जितने लोग वहां से पास आउट हुए हैं, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, किसी कोई जिम में इंस्ट्रक्टर है, फ्यू ऑफ देम आर हैव ग्रोन इन देयर लाइफ, बट आई एम प्राउड दैट आई स्टार्टेड माई ओन स्टार्टअप टूडे। सो दैट इज द थिंग, बिकॉज आई एग्जीक्यूटेड अ लॉट, और मैं उस एक कोर्स पे रुका नहीं, आई कंटिन्यूड माई लर्निंग एंड इट इज स्टिल ऑन, इट इज स्टिल ऑन। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग, सिर्फ सीखते रहोगे तो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, फिर आप कोच बनोगे बट सक्सेसफुल कोच नहीं बनोगे, क्योंकि सक्सेसफुल कोच की मेरी डेफिनेशन एक ही है, वो कोच जो रिजल्ट देता है और पैसे भी कमाता है। मुझे वैसे ही कोचेस चाहिए इस बैच के थ्रू, गॉट इट? फोकस ऑन रिजल्ट्स, एग्जीक्यूशन के साथ रिजल्ट्स पे भी फोकस करो, फिर देखो जो चीज चल रही है उसे दौड़ाओ, जो दौड़ रहा है उसे भगाओ, जो भाग रहा है उसे उड़ाओ, बट रिजल्ट देखो। अगर नहीं चल रहा है तो चेंज करो, अप्रोच को चेंज करो, एक्सपेरिमेंट करो, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप सीखते हो और एग्जीक्यूशन फास्ट करने जाते हो तो आपको ये चीजें, इसको कहते हैं हमें रिव्यू करना पड़ेगा, विलिंगनेस टू मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक करने के लिए रेडी रहो। नहीं, मुझे किसी ने कुछ बोला तो अरे बोलने दो ना बाबा, लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लोग फेलियर भूल जाते हैं, लोगों को सक्सेस याद रहता है। हाँ, और आपकी वो जो भी फेलियर कहानी है ना, आपकी वो जो भी दुख भरी दास्तान है, कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है अगर आप सक्सेसफुल नहीं बनते हो। नो वन वॉन्ट्स टू लिसन योर फेलियर्स। शायद आप में से कुछ लोग लाइफ में अभी फेलियर स्टेज में रहोगे, बट कोई भी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है आपने कितना फेल किया, आपने कितना लॉस किया। लेकिन अगर आप कामयाब बने ना, तो आपकी नाकामयाबी सुनने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि अभी आप कामयाब हो और आप आपकी नाकामयाबी से उनको कुछ सिखाओगे। लेकिन अगर आप कामयाब नहीं बने ना, तो कोई भी आपकी नाकामयाबी की दास्ता सुनने के लिए आप खाली बैठा नहीं। तो नाकामयाबी लो, रेडी रहो मिस्टेक्स के लिए, लेकिन हर मिस्टेक से सीखो, उस ट्राई करो कि ये मिस्टेक दोबारा ना ना हो। रिस्क लो, छोटे छोटे रिस्क लो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं बहुत बड़ी जाके रिस्क लो, टेक अ बेबी स्टेप, बट यू शुड टेक इट। प्रायोरिटाइजेशन ऑन ऑफ एफिशिएंसी, जो आपको लगता है मैं इसमें एफिशिएंट हूं, मैं इसको अच्छे से कर पाता हूं, उन चीजों को पहले करो ना। सारी चीजें तो नहीं आएगी, बट जितना आता है उससे शुरू करो, और लर्निंग के ऊपर फोकस लिमिटेड रखो, मतलब एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए, इतना इतना पार्ट लर्निंग होना चाहिए, मतलब मैं अभी भी सीखता हूँ बट मेरा फोकस वहां पे टाइम है, मेरा टाइम सेट है, इतना समय लर्निंग के लिए, इतना समय इसके लिए, इतना समय इसके लिए, तो वो टाइम लिमिट रखो। नहीं तो सीखने का परसेंटेज ज्यादा है और एग्जीक्यूशन का कम है, आउटकम नहीं आएगा बॉस, फिर कितना भी सीखोगे फायदा क्या है? सीखे और इस दुनिया से चले गए, उसका ना खुद को मतलब आर्थिक लाभ तो नहीं हो पाया, ना दुनिया को फायदा हुआ, तो क्या फायदा है आपकी उस सीख का? मेक श्योर दैट मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड विथ योर नॉलेज, ओके? व्हाइल हैविंग एन एग्जीक्यूशन ओवर लर्निंग माइंडसेट कैन बी बेनिफिशियल इन सर्टेन सिचुएशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एक्शन एंड लर्न। सो एक अच्छा बैलेंस बनाना जरूरी, लर्निंग इज एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ एंड विदाउट इट इंडिविजुअल मे स्ट्रगल टू अडैप्ट टू न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, तो वो जरूरी है एज इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू टू सीक आउट अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ इवन वाइल फोकसिंग ऑन एग्जीक्यूशन एंड रिजल्ट। सो ये दोनों में एक अच्छा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप कोच हो तो आपके पास एक एक्टिव लिसनर का माइंडसेट होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको लोग पैसे इसलिए ज्यादा देंगे बिकॉज आप सुनने के लिए बैठे हो। बाहर लोग पैसे दे रहे हैं, हजारों दे रहे हैं, लाखों दे रहे हैं, बट कोई भी उनकी प्रॉब्लम सुनने तक रेडी नहीं। हम जैसे जैसे आगे कोर्सेस में डीप में जाएंगे, हम इस चीज को और डिस्कस करने वाले। पीपल विल पे यू बिकॉज यू आर रेडी टू लिसन, बट वो लिसन में एक्टिव लिसनर होना चाहिए। अभी एक्टिव लिसनर की क्वालिटी क्या है? वो प्रेजेंस में रहता है, वो उस कॉन्वर्सेशन में पूरा घुस जाता है, उस समय के लिए वो पूरा, मतलब उसको कुछ नहीं दिखता है, वो क्लाइंट और वो। आई डू टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, आई डू वीडियो कॉन्वर्सेशन, आई डू ऑफलाइन कॉन्वर्सेशन, बट वाइल एवरी ईच एंड एवरी कॉन्वर्सेशन आई गेट टोटली एंगेज एंड आई टेक टोटल इंटरेस्ट इन दैट क्लाइंट, मतलब पूरा मैं दिल लगा के सुनता हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं समझता है उस समय। तो इस तरीके से अगर आप एक एक्टिव लिसनर का माइंडसेट रखोगे
आपको लोग पैसा देंगे सुनने के लिए। एम्पथी रखो, जब वो सुन रहे हो बी नॉन नॉन जजमेंटल। ना पेशेंट आके बोलेगा मुझे ऐसा ऐसा हुआ था, आप अरे ये क्या है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसी थोड़ी गलती कर, ऐसा मत बोल, उसको समझाओ। बट ये एक टेक्निक रहता है, जजमेंटल मत बोल, ओपन माइंडेडनेस। कुछ नया नया अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू रहेंगे, तो जज मत करो, ओपन माइंडेडली सुनो, क्यूरियस रहो, आगे जानो अच्छा क्या हुआ, आगे क्या हुआ, डीप में घुसो, उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, होलिस्टिक अप्रोच रखो। जब आप उसको समझ गए तो सारी बाजुओं को पेशेंस रखो। कभी कभी कोई बाद में 10 मिनट में बात कहेगा, कोई कोई एक एक घंटा भी सुनना पड़ेगा आपको, भले आपने टाइमिंग लगाया है कॉन्वर्सेशन का इतना 4 से इतना मिनट के लिए, बट आपको वो एक एक रहता है ना प्रोफेशनल, और एक रहता है ह्यूमन, तो एज अ ह्यूमन आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल है तो बोलो ठीक है, इस कॉन्वर्सेशन में हम इतनी बात कर सकते हैं, टाइम इज नॉट अलाउिंग, बट लेटर ऑन वी विल डेफिनेटली डिस्कस योर इशू इन मोर डिटेल, मुझे और जानना है, उसके बाद ही हम हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। लेकिन ये एक्टिव लिस्टनर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट, जब आप सुन रहे हो ना तो रिस्पेक्ट दिखना चाहिए, आपकी जो ओपिनियंस आएंगी, आपकी उसके लिए फीलिंग्स आएंगी, मतलब ये कब आता है, जब आप लोगों से प्यार करते हो, लोगों की प्रॉब्लम को समझते हो, सच में आप सोल्यूशन ओरिएंटेड जाना चाहते हो, सच में आप उसको उसमें से बाहर निकालना चाहते हो, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। इट विल गेट, मतलब आपको डीपर कनेक्शंस, यू विल गेट इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, नया पर्सपेक्टिव रहेगा, नए नए अनुभव मिलेंगे, और एक मजा आएगा, देन यू विल लाइक दिस, मतलब आपको बहुत मजा आएगा बात बातें सुनने के लिए, लोगों से बातें करने के लिए। आई लव, मतलब मेरे जब भी कंसल्टेशन सेशन रहते हैं, मैं मतलब आई एंजॉय दैट ईच एंड एवरी मोमेंट स्पेंड विथ माई क्लाइंट। तो उस तरीके से आपको जाना है। उसके बाद मैंने जैसे बताया, बी कीप एन होलिस्टिक अप्रोच, जो हमारे न्यूट्रिशन में हम आपको सिखाते हैं, इवन आप जिस भी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो, बट जब न्यूट्रिशन की बात आती है, यू शुड थिंक एंड अबाउट हिज एंटायर बॉडी, फोकस ऑन होल पर्सन हेल्थ। मतलब वो आया है बता रहा है कि मुझे पेट में समस्या है, या मुझे ओवरवेट है, या मुझे जॉइंट पेन है, तो आपको उसके रूट कॉज तक पहुंचने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, और चिंता मत कीजिए, हमने हर चीज रेडी किया आपके लिए, हमने क्लाइंट फॉर्म भी रेडी किया, आपको कौन से सवाल पूछना है, किस तरीके से बात करनी, हम आपको हर चीज सिखाने वाले। बट होलिस्टिक अप्रोच का माइंडसेट होना चाहिए, पर्सनलाइज अप्रोच होना चाहिए, उस पर्सन की पर्सनल नीड क्या है उसको समझते हुए हमें अप्रोच करना है, प्रिवेंशन के हिसाब से बात करनी है, वो बीमारी ना हो इसलिए हमें बात करनी है। उसके बाद अलग अलग थेरेपीज को आपको कॉम्बो करना है। हम बहुत लकी है, हम जिस कम्युनिटी के साथ, मैं जिस तरीके की कम्युनिटी प्लान कर रहा हूँ, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ पर्सन विथ मी, आई वॉन्ट एलोपैथी वाला भी चाहिए मुझे, होम्योपैथी वाला भी चाहिए मुझे, वो यूनानी वाला रहेगा वो भी चाहिए मुझे, आयुर्वेदा भी चाहिए, एंड मुझे नेचुरोपैथी की सिखाए वो भी चाहिए। कोई पैथी गलत नहीं है, हर समय हर पैथी हमें अलग अलग तरीके से यूज करने पड़ेगी, हमें चाहिए लोग ठीक होने चाहिए, लोग फिट होने चाहिए, तो हमें बहुत बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हमें अलग अलग चीजों को, योगा भी चाहिए, मसाज थेरेपिस्ट भी चाहिए, एक्यूप्रेशर वाले भी चाहिए, अलग अलग लोगों को एक साथ लाओ, उसको ट्रीट करो। आप एक ही चीज है, अगर वो आपके पास आया है तो ये उम्मीद लेके आया है कि आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में पूरा दिल जान सब कुछ लगा दोगे, और वो उसको ठीक करोगे। हैविंग सेड दैट, मैं आगे ये भी सिखाऊंगा, कुछ लोगों को आपको मना भी करना पड़ेगा, वो आगे सिखाऊंगा, लेकिन अगर कोई आया है तो इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना बहुत जरूरी, माइंड बॉडी स्पिरिट कनेक्शन के हिसाब से काम करो, सिर्फ उस बॉडी को ट्रीट नहीं कर रहे हो, उसके माइंड को भी ट्रीट कर रहे हो, उसके स्पिरिट को भी ट्रीट कर रहे हो, थिंक ऑन ऑल एस्पेक्ट्स। जब आप इस तरीके से देखोगे ना चीजों को, कि भाई उसके जो प्रॉब्लम है माइंड में कितना है, बॉडी में कितना है, तो ये एक अलग ही तरीके से आपको बनाएगा। लाइक आई एम नाउ लर्निंग, शीतल इज ऑल्सो लर्निंग, चक्रा हीलिंग सीख रही है शीतल, और मैं भी उनके साथ जब मुझे मौका मिले तो आई विल ऑल्सो टेक आउट टाइम टू लिसन, मुझे भी सीखना है ये चक्रा हीलिंग क्या रहता है। कुछ लोग मुद्रा सिखाते हैं, मैनी ऑफ द थिंग, मेडिटेशन, हम इस बैच में वी आर टेकिंग वन मेडिटेशन क्लास, स्पेशल क्लास, हमारे पास एक दीदी आने वाली है, आई डोंट नो शी इज इन दिस लाइव क्लास और नॉट, बट वो आएंगे, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मेंटल हेल्थ के ऊपर सेशन रहेगा, एंड शी विल डू वेरी गुड मेडिटेशंस विथ यू ऑल, ठीक। सो माइंड बॉडी स्पिरिट कनेक्शन हमें करना है, सो ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच आपका होना चाहिए।
एक चीज और होनी चाहिए वो माइंडसेट में, दैट यू आर डूइंग ब्लेसिंग्स ओवर मनी माइंडसेट। आपको ना पैसे से ज्यादा दुआओं को इंपॉर्टेंस देना है। पैसे तो आपके अकाउंट में आते ही रहेंगे, आपने लाइन ही ऐसी चुनी है जहां पे मनी इज मतलब बाय प्रोडक्ट, वो तो मिलने ही वाला है। डोंट वरी अबाउट मनी, यू विल मेक ह्यूज मनी। और थोड़ा शुरुआत में लगता है पैसा पैसा पैसा, एक समय के बाद पैसा मैटर नहीं करता। यस, अगर आपका फोकस ब्लेसिंग्स पे हो तो दुआएं जो आप इकट्ठा करोगे ना वो बहुत रहेगी। चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, हम में से कितने लोग जाने के बाद पैसा ले जाएंगे? तो आप बोलोगे कोई नहीं ना, सबने वो सिकंदर की कहानी सुनी है कि वो पूरी दुनिया आधी दुनिया जीत चुका था, फिर भी जाते वक्त उसने दोनों हाथ बाहर रखे थे, बिकॉज वो जाते वक्त कुछ नहीं लेके गया। चलो लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जाते वक्त भी हम हमारे मनी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने बोला अगर हमें इंडिया से अमेरिका जाना है, हमारे पैसे को कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूरोप में जाना है तो यूरोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दुबई में जाना है तो दिराम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस कंट्री की करेंसी में हमें कन्वर्ट करके उस पैसे को इस्तेमाल करना है। लेकिन जब हम इस दुनिया से जाएंगे दूसरी दुनिया में, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद द ब्लेसिंग्स, क्योंकि जाते हुए हमारे वो जो आपने सुना रहेगा सब कार्मिक अकाउंट रहता है, तो वो हमारा अच्छा कर्म के अकाउंट में चला जाएगा ना वो मनी। सो ऑलवेज फोकस ऑन ब्लेसिंग्स ओवर मनी माइंडसेट। वो जो ब्लेसिंग्स है ना, वो दुआ है ना, उसके लिए काम करो। पैसे तो आने ही वाले हैं, पैसे तो चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, कुछ लोग लिखते हैं मतलब स्टेटस पे लिखते हैं, मैंने किसी का मराठी स्टेटस सुना था कि मी पैसा पेक्षा मानसन ना जास्त महत्व दे, तो मतलब हिंदी में बोलूँ तो मैं पैसे से ज्यादा लोगों को इम्पोर्टेंस देता हूँ। मैंने उसको मैसेज किया, भाई ऐसा क्यों लिखते हो? आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, मैं पैसा और इंसान दोनों को इम्पोर्टेंस देता हूँ। पैसा आपका दोस्त नहीं है क्या? पैसा भी आपको चाहिए ना, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं तो कोई इंसान आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। यार दिस इज ट्रू फैक्ट। जब तक तेरी जेब में पैसा, तब तक दुनिया पूछे भाई तू कैसा, बराबर ना? तो कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं, कोई आपको पूछेगा नहीं अगर आपके पास पैसे नहीं, क्योंकि हर आपको हर जगह पैसे लगते हैं। आज तो घर बैठे हो तो भी पैसे लगते हैं। गॉट इट? तो पैसा तो जरूरी है, बट पैसे से ज्यादा दुआ है जरूरी। तो मैं पैसा और दुआ दोनों को इंपॉर्टेंस देता हूँ। बट यू शुड हैव अ माइंडसेट दैट इफ यू आर अर्निंग ब्लेसिंग्स एंड इट विल कम व्हेन यू हैव राइट इंटेंशन, यू विल नॉट ओनली मनी ओरिएंटेड, मनी फोकस्ड, तो आप वो दिल से करोगे, दिल से करोगे। यू विल गिव मोर एक्स्ट्रा, पावर ऑफ एक्स्ट्रा। अभी यहाँ मैंने लिखा नहीं है, बट यू कैन नोट डाउन दैट पॉइंट, वर्क ऑलवेज फॉर अ पावर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड सेट। आपका माइंड सेट है ना, मतलब मैं तो हमेशा ये करता हूँ, अगर किसी ने 1 मंथ का भी प्लान लिया ना, तो भी हम उसके साथ रिलेशन बहुत समय तक मेंटेन करते हैं। वी गिव समथिंग एक्स्ट्रा वट एवर दे हैव पर्ड फॉर अस टू अस। वो तोल माप के नहीं चलता कंसल्टिंग का बिजनेस, वो तो रिजल्ट पे चलता ही, बट कुछ और दो, कुछ इतना दो कि शायद उसे ऐसा लगे हमेशा कि मैंने जितना भरा है ना उससे कहीं ज्यादा मिला है। एंड आई चैलेंज यू, आई गारंटी यू, आप में से अगर किसी ने भी मुझे बोला एट द रेट 30, चलो मैं ये अनाउंसमेंट, मुझे मेरी टीम बोलती है कि आप ऐसे अनाउंसमेंट मत किया करो, कुछ गलत लोग रहते हैं जो इसका फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा एक गलत बंदा मिला भी लास्ट बैच में, बट वॉट इट वॉज इन फैट लॉस बैच। हाँ कि सर आप ऐसा मत बोला करो, आप हम इतना कुछ दे रहे हैं, फिर भी मैं वो मेरा प्रॉब्लम है तो क्या करें ना, तो मैं बोल देता हूँ एट द डेट 30, अगर आप में से किसी को भी लगा, मैं ओपनली अनाउंस कर रहा हूँ, इट इज गेटिंग रिकॉर्ड, अगर आप रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हो तो भी ये बात मेरी कायम रहेगी, किसी को भी अगर लगा कि मुझे इस कोड से बिल्कुल वैल्यू नहीं, जस्ट टाइप एन मैसेज टू अस एंड ऑन द सेकेंड मोमेंट, और हमने ये सेकेंड मोमेंट पे ट्रांसफर किया था, आपने जितना भी अमाउंट पे किया है यू विल टोटली बी रिफंडेड विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क। भले हमें जीएसटी का नुकसान हो, कुछ भी हो, बट अभी तो हम पेमेंट गेटवे सिस्टम से पेमेंट भी ले रहे हैं, तो उसका भी नुकसान हो क्योंकि उसको हमें उनके चार्जेस देने पड़ते हैं, बट वी विल रिफंड टोटल अमाउंट वॉट एवर यू हैव पेड, दैट इज माई कमिटमेंट, एंड इट विल स्टे रिकॉर्डेड लाइफ लॉन्ग। बिकॉज हमें
नहीं चाहिए। अगर कोई हैप्पी नहीं है ना हमारी सर्विस से, हमारे प्रोडक्ट से, हमें उसके पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वी वॉन्ट ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन मनी फॉर मी। यस, इसलिए हम और वर्क फॉर पावर ऑफ एक्स्ट्रा। पावर ऑफ एक्स्ट्रा करो। जितना आया है ना, जितना आपने दिया है ना, उससे ज्यादा, जितना कमिटमेंट दिया उससे ज्यादा, जितना कमिटमेंट दिया उससे ज्यादा डिलीवर करो। लोग हैप्पी रहते हैं। नेवर अंडर डिलीवर। जितना बोला है उससे कम कभी मत करो। सर्विस के ऊपर फोकस करो, रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करो, ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट करो। लाइक हमारे जितने क्लाइंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ मोर ओवर बिहेवियर साइड में, बिकॉज वन शुड बी स्ट्रिक्ट, बट शीतल के और उनके ऐसे घर जैसे रिलेशन हो गए। मतलब विल यू बिलीव दैट सम ऑफ द आवर क्लाइंट्स आर दैट वी हैव नेवर सीन देम, बिकॉज टोटली हमारा डिजिटल बिजनेस है, हमने कभी उन्हें सामने सामने नहीं देखा है। और लोग सामने सामने अलग ही दिखते हैं, और ना इतने हमारे वीडियो कॉन्वर्जेशन हो रहे हैं। कुछ तो हमें सिर्फ फोन कॉल की आवाज से ही उतने हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। सो वी डिड दिस प्रैक्टिस दिस दैट वी वर्क ऑन मोर ओवर ब्लेसिंग्स देन मनी। मनी इज टोटली इंपॉर्टेंट, बट वी फोकस्ड ऑन ब्लेसिंग्स। सो दैट शुड बी योर माइंड सेट टू बिकम एन सक्सेसफुल कोच। स्पिरिट ऑफ जेनरोसिटी बनो, मतलब उदार बनो यार, मतलब दिल से करो ऐसा। और कोशिश करो कि यू डोनेट सम पोर्शन टू समवन हु नीड। मैं हमेशा कहता हूँ, आप जब कोच बनोगे ना, तो पहला एक अमाउंट फिक्स करो। अपनी मम्मी को एक अमाउंट देना है, हर एक को, है ना। हमारे मदर ने बहुत कुछ किया है। फादर को देने की जरूरत नहीं है, बट मदर को जरूर देना। और थोड़ा डिसाइड करो, मुझे मंथली 2000, 5000, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, 10,000, 20,000, वॉट एवर। आपको अभी लगेगा सर मुझे तो, मैंने का 20,000 कमाने के लिए तो मैं सोच रहा हूँ, चिंता मत करो, 2,000 से शुरू करो। माँ को 2,000 देना है, बस ये फिक्स कर दो दिमाग में। कैसे चीजें बदलती है चेक करो। ब्लेसिंग्स ओवर मनी माइंडसेट, अबेंडेंस माइंडसेट रखो। मतलब एक ऐसा कभी होगा, आपको लगेगा यार मेरा एक क्लाइंट चला गया, मेरा एक ये चला गया। चला गया तो चला गया बॉस, वो आपका नहीं था। दुनिया में बहुत अबेंडेंस है। एक रहता है अबेंडेंस माइंडसेट, जिसको मैं बोलता हूँ मुबलकता या भरपूर प्रचुर मात्रा में चीजें उपलब्ध है। दूसरा रहता है स्कैर्सिटी माइंडसेट, यानी बहुत कमतरता या कम मात्रा में चीजें उपलब्ध है। हमेशा अबेंडेंस का माइंडसेट, बहुत है आपके लिए। हम बड़े ब्रांड्स की अगर बात करें, दे आर सर्विंग बहुत होके 1 लाख क्लाइंट है। बड़े ब्रांड्स हैं, दे आर हैविंग ओनली 1 लाख पेड क्लाइंट्स। एक 10-15 हजार क्लाइंट हो गए ना, तो आप मार्केट में बहुत बड़ा नाम बना देते हो। आप 1,000 क्लाइंट पे पहुंच गए ना, आप उस पिन कोड में पॉपुलर हो जाते, उस नम उस बोलो पिन कोड छोड़ो, उस तालुका में भी आप ऊपर आ जाओगे। और मैं सिखाऊंगा आपको इस कोर्स में, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, आप बिलीव करोगे। इन 3 मंथ्स वी हैव क्रॉस 100+ सेटिस्फाइड कस्टमर्स। इस रन रेट पे हम आ गए। सो ये बहुत जरूरी है। अबेंडेंस माइंडसेट रखो, बहुत कुछ है, कुछ को छोड़ना ही पड़ेगा, तब आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आपका दिमाग में एक एक गया इधर, मेरे को एक मिल जाता, वो क्या होता है, एक बंदा ना बोलते आप उसके बारे में सोचते रहते हो, अरे सब कुछ रेडी था। वो आप खुद के अंदर सेल्फ डाउट लेना चाहते चालू करते हो, गलतियां ढूंढते हो, ऐसा मत करो। वो नहीं था आपके लिए, छोड़ दो, इट वॉज नॉट फॉर मी। अगर कोई मेरे कोर्स में नहीं आता है, कोई हमारा फैट लॉस का प्रोग्राम नहीं लेता है, तो हमने एक स्टेटमेंट फिक्स कर लिया। हमारे जितने कोचेस अभी एक्टिवली इनकम कर रहे हैं, हम सबके दिमाग में एक ही चीज फिट किया, उसके नसीब में नहीं था। और अगर वो पहुंचा है, विल यू बिलीव, मतलब आज जो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, आज हमारे साथ इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें से इन दिस वीक 30-40 एनरोलमेंट्स हैव हैपन इन दिस वीक। सो इनके नसीब में था बॉस, इसलिए मिला। आगे जिसके नसीब में रहेगा, उसको वो रिकॉर्डेड वाला मिल जाएगा। लाइव नहीं था उसके नसीब में, वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, बट नसीब में था तो मिलेगा। उसका नसीब हम थोड़े लिखे, उसके कर्म लिखेंगे। लेकिन अगर हम वो अटके रहे, नहीं, ये मिलना चाहिए था, मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने उसको ये किया था, वो छोड़ दो यार, उतना टाइम मत लगाओ। मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मार्केट है, और आपको फास्ट फास्ट 100 रिजल्ट्स पे काम करना है। जिस दिन आपने 100 रिजल्ट्स लिए ना, एंडलेस वर्क है, एंडलेस। आपका काम कभी रुकेगा नहीं, योर शेड्यूल विल बी पावर पैक्ड। और मैं सिखाऊंगा पावर पैक शेड्यूल कैसे बनाते हैं, मैं सिखाऊंगा खुद को, खुद की इंपॉर्टेंस को कैसे बढ़ाते, खुद की वैल्यू को कैसे बढ़ाते, हर एक चीज सिखाऊंगा। कमिटमेंट टू एथिकल प्रैक्टिसेस,
एक कमिटमेंट देनी, कुछ भी गलत नहीं करना। अगर एक चीज ठीक होती है तो बोलो ये हमसे इतना इतना हो पाएगा। ओवर चार्जिंग भी मत करो कभी, ओवर चार्जिंग नहीं करना, जितना चार्जेस है मार्केट में उससे कम ही रखो, बट ओवर मत। ओवरऑल ब्लेसिंग योर मनी माइंडसेट इन्वॉल्व द कमिटमेंट टू सर्विंग एंड हेल्पिंग अदर्स, वैल्यूइंग रिलेशनशिप ओवर फाइनेंशियल गेन, कल्टिवेटिंग अ स्पिरिट ऑफ जेनरोसिटी, एम्ब्रेसिंग एन अबेंडेंस माइंडसेट एंड प्रायोरिटाइजिंग एथिकल प्रैक्टिसेस। दिस माइंडसेट कैन लीड टू इंक्रीज सेटिस्फेक्शन एंड फुलफिलमेंट इन वंस वर्क एज अ हेल्थ कोच एज वेल एज पॉजिटिव आउटकम्स फॉर क्लाइंट्स ऑल्सो। आप सोचो ना यार कि अगर आप किधर जा रहे हो, आपको अगर इस तरीके से कोई ट्रीट कर रहा है, हाउ विल यू फील? सो ट्रीट द वर्ल्ड एज यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। लोगों से उस तरीके का व्यवहार कीजिए जिस तरीके की उम्मीद आप लोगों से करते हो। बाहर वो तो नहीं मिल रहा है ना, इसलिए तो हम कर रहे हैं ना, है ना। बाहर तो लोगों को सुना तक नहीं जा रहा है, वो जाता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी प्रोफेशन को हेट नहीं करता, बट आप ये फैक्ट मानते हो। एंड आई डोंट मतलब मैं उनकी यहाँ पे कंप्लेंट भी नहीं करना चाहता। अगर उनकी जगह शायद मैं भी उतना बिजी रहूँ तो शायद, या मुझे उसी तरीके से सिखाया रहेगा तो मैं भी वैसे ही करूंगा, मैं भी 2-5 मिनट में सुन लूंगा। अच्छा क्या है, डायबिटीज है, ओके क्या है, अच्छा ओके से ठीक है, ये गोलियां ले लो खा लो खत्म, मैं फिर चला जाऊंगा अगले केस की तरफ। इफ आई विल बी द पर्सन इन दैट रूम, बट आई एम नॉट एंड यू विल बी नॉट। तो हमें तो दिल से करना है और इस माइंडसेट से करना है। हमारे पास लोग आते हैं रिजल्ट्स के लिए, सो दे पे मोर देन देम। समझ में आ रहा है? और एक माइंडसेट बना दो, जो सीख रहे हो ना उसकी बेबी स्टेप लो। पहले तो एक नीच आइडेंटिफाई करना है, आपका नीच क्लैरिटी सेशन है आगे, उसमें हम सिखाएंगे नीच को कैसे क्लैरिफाई करें। फिर उसके हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करनी है, गोल सेट करने हैं, प्लान सेट करना है। रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ एनी बिजनेस। ये कोचिंग इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में सब कुछ चलता है रिलेशनशिप के ऊपर। और जब लोग आपके बारे में वर्ड ऑफ माउथ से आने लगे, लोग बोले कि हाँ इनके पास जाओ, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, योर बिजनेस इज ग्रोइंग। दैट इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ द रिलेशन यू मेंटेन विथ योर क्लाइंट्स। सो फोकस ऑन बिल्डिंग दैट रिलेशनशिप, एंड एवरी रिलेशनशिप इज, अगर किसी भी रिलेशन को बिल्ड करना है ना, तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट लगती है टाइम की। मैं इतना टाइम देता हूँ मेरे क्लाइंट्स को कुछ एडिशनल वैल्यू देने में, मैं इंफॉर्मेशन नाइट्स रखता हूँ, अलग अलग सेशंस रखता हूँ उनको, मुझे खाली समय मिले तो आई जस्ट टॉक विद देम विदाउट एनी अपॉइंटमेंट्स। मतलब वो एक रिलेशन बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। आप जब छोटे छोटे, जब जिस दिन आप पहला क्लाइंट करो ना, सेलिब्रेट करना। आप में से किसी ने भी अगर पहला क्लाइंट नहीं किया है, इस पे तो वैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं, लेकिन अगर आपने पहला क्लाइंट किया, या अगर एक्सपर्ट जुड़े हैं और आप इस नॉलेज के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर पहला क्लाइंट करोगे ना, सेलिब्रेट दैट मोमेंट। वो जो पहला पर्सन जिसने आपको पहली बार पे किया था, फिर आपके 10 हो, सेलिब्रेट करो उस मोमेंट को, फिर 25 हो, सेलिब्रेट करो, 50 हो, स्मॉल स्मॉल माइलस्टोन सेट करो, चेस करो उस माइलस्टोन को, मजा आता है। सो माइंडसेट तो ये करना है, और छोटे छोटे स्टेप्स हमेशा लेते हैं। उसके बाद ये एक माइंडसेट बहुत जरूरी है, दैट इज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। ये जो परफेक्शन है ना, परफेक्शन इसमें मत अटको, प्रोग्रेस में रखो, प्रोग्रेस, परफेक्शन में मत जाओ। कोई चीज परफेक्ट नहीं है। क्या मेरा ये कोर्स परफेक्ट है? आई स्टार्टेड इट व्हेन इट वाज नॉट परफेक्ट। मैंने हमेशा, मतलब अभी मेरा मराठी वाला रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, एंड आई से दैट दिस इज 3 टाइम्स बेटर देन मराठी वाला, भले अभी तक ये डिलीवर नहीं हुआ है। इट इज द फर्स्ट सेशन गेटिंग रिकॉर्डिंग, क्यों? बिकॉज आई एम द 3 टाइम्स करेक्टर पर्सन देन दैट व्हेन आई रिकॉर्डेड मराठी वाला कोर्स। गेटिंग द पॉइंट? बट जितना आता है ना, एग्जीक्यूट कर दिया तो प्राइस भी बढ़ा दिया ना बॉस। समझ में आ रहा है? तो प्रोग्रेस करो, परफेक्शन के पीछे मत भागो। नहीं, जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक नहीं करूंगा। जितना आ रहा है करो, इम्प्रूव। तो एक लाइन लिख लो, स्टार्ट नाउ इम्प्रूव लेटर। लिखो सब लोग, स्टार्ट नाउ इम्प्रूव लेटर, स्टार्ट नाउ इम्प्रूव लेटर। ठीक है, मैं एंड में पूछने वाला हूँ हमने क्या क्या ऐसे स्टेटमेंट सीखे, सो बी रेडी फॉर दिस लाइन्स। ठीक है, सो फोकस ऑन प्रोग्रेस, परफेक्शन के पीछे मत जाओ।
छोटे छोटे विंस को इट इज गेटिंग रिपीटेड। ओके, सो एनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन, तो एक्सपेरिमेंट करने का माइंडसेट रखो। अवॉइड ऑल और नथिंग थिंग, मतलब मैं करूंगा तो सब, मतलब कुछ लोगों का डायलॉग रहता है मैं जो करता हूँ ना तो वैसा पूरा दिल से करता हूँ, नहीं तो मैं करता नहीं, तो इसलिए तुम बहुत कम कर लेते हो। शुरू तो करो यार, छोटे लेवल पे देख के तो देखो चल रहा है नहीं चल रहा है, नहीं चला तो बंद कर डालो। बट आज से 10-20 साल 30 साल बाद एटलीस्ट बोलोगे तो नहीं ना, मेरे दिमाग में आइडिया आया था, मुझे करना तो था बट मैंने किया ही नहीं, तो वो गिल्ट तो नहीं रहेगा ना। एटलीस्ट बोलोगे यार मैंने छोटे लेवल पे करके दिखाना, नहीं चला। हमने बहुत सारे गलत एक्सपेरिमेंट करके देखे, एंड आई शेयर विथ माई टीम ऑलवेज, ये हमारा गलत डिसीजन था, ये हमारा सही डिसीजन था, शायद हमने इसको अलग अप्रोच रखना चाहिए था, सो ये हमें करना पड़ेगा। सो कंसिस्टेंट एक्सपेरिमेंट माइंडसेट, ये बहुत जरूरी है। आपको एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी रहना चाहिए, नई नई चीजें ट्राई कीजिए, छोटे छोटे बदलाव करते रहिए। कमिटमेंट टू कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के ऊपर एक कमिटमेंट रखिए। अब कमिटमेंट मतलब कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं कि आप हर रोज उस चीज को कर रहे हो, हफ्ते में एक बार भी कर रहे हो ना तो वो एक बार फिक्स होना चाहिए, हफ्ते में 2 बार कर रहे हो तो 2 बार फिक्स होना चाहिए, हफ्ते में 3 बार कर रहे हो तो 3 बार, हफ्ते में 4 बार कर रहे हो तो 4 बार, डेली आधा घंटा कर रहे हो तो डेली आधा घंटा, डेली 10 मिनट कर रहे हो तो 10 मिनट। अच्छा उतना भी नहीं हो रहा है, कभी होगा कभी नहीं होगा, अप्स एंड डाउन आएंगे, कभी कभी ये होगा, आप कितनी बार छोड़ते हो इंपॉर्टेंट नहीं, वापस रिज्यूम करते हो वो जरूरी। लाइक मैं अगर आपको एक सीक्रेट बताऊं तो मैं कभी भी रेगुलर डाइट नहीं रखता, बट मैं 30 में से 20 दिन बहुत अच्छी डाइट पर रहता हूँ, 10 दिन तो मैं भी गलतियां करता हूँ और जानबूझ के करता हूँ। यस जानबूझ के करता हूँ, जब मेरा एक टारगेट रहता है उसको मैं जब अचीव करता हूँ, आई मेक माई क्लाइंट मेक श्योर दैट माई क्लाइंट्स ऑल्सो फॉलो द सेम थिंग, हम उनको जानबूझ के रिवॉर्ड मिल देते हैं, बट आफ्टर अचीविंग टारगेट, इट इज नॉट एन पर्सन टू पर्सन, इट इज एन इंडिविजुअल अप्रोच, हर एक के लिए अलग अलग रहेगा ये। बट या कंसिस्टेंसी मेरे लिए तो यही है, 30 में से 20 दिन करो, 7 में से 5 दिन करो तो भी चल जाता है। ओपननेस टू फीडबैक, और फीडबैक के लिए ओपन रहो, लोग फीडबैक देंगे, ठीक है, रेडी फॉर ऑल फीडबैक। उसके बाद एक्टिव पेशेंस माइंडसेट, ये भी बहुत जरूरी चीज है। बहुत लोगों को हम बोलते हैं पेशेंस रखो पेशेंस रखो, अरे भाई पेशेंस रखो लेकिन एक्टिविटी के साथ पेशेंस रखो, पेशेंस एक्टिविटी रोकनी नहीं है, पेशेंस रखो मतलब कुछ नहीं करोगे ये नहीं पेशेंस, काम करो, परिणाम आए नहीं आए तो पेशेंस रखो, जैसे भगवद गीता में लिखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो, बट ऐसा कहा है कर्म करो फल के लिए पेशेंस रखो, उसकी चिंता मत करो उसके लिए पेशेंस रखो, लेकिन कर्म तो करो। तो ये रहता है एक्टिव पेशेंस माइंडसेट, वेट करो, एक्शन के ऊपर फोकस रखो, लर्निंग के ऊपर फोकस रखो, रेजिलेंस अच्छी रखो क्योंकि सेटबैक्स आएंगे ऊपर नीचे आएगा, पॉजिटिव आउटलुक रखो, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो, अपने माइंड को कंप्लेनर मत बनाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए था ऐसा नहीं होना चाहिए था, भाई हमारे हाथ में थोड़ी है क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, हमारे हाथ में ये है कि जो हुआ है उसको हम कैसे बेहतर करें, उसमें हम किस तरीके का दृष्टिकोण रखें। तो योर माइंडसेट इज अ मैग्नेट, इट अट्रैक्ट्स व्हाट यू बिलीव एंड फोकस ऑन, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, ये उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करेगा जो आप बिलीव करते हो जिसके ऊपर आप फोकस करते हो। शिफ्ट योर माइंड सेट टू वन ऑफ अबंडेंस एंड सक्सेस एंड यू विल अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड द रिसोर्सेस यू नीड टू अचीव योर गोल्स, मतलब अगर आपका माइंड सेट सही तरीके का है तो आप अपने जीवन में भरपूर मात्रा में अबंडेंस यानी इतने चीजों को अट्रैक्ट करोगे, सक्सेस को अट्रैक्ट करोगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेंगे, नए नए रिलेशंस आएंगे, नए नए रिसोर्सेस आएंगे जिससे आप आपके गोल्स पूरे कर सकते हो, तो वो माइंडसेट हमें करना है। सो विद दिस थैंक यू एंड नाउ वी आर ओपनिंग फॉर डिस्कशन।